वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर चिल्ड्रंस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 90, वी आर द बेस्ट, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो चिल्ड्रन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द रीडिंग, ओके, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द वोकेबिलिटी एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट अफेयर्स. इट teaches about the different culture and tradition, and it is a window to the world. They may form a class library with a book bought by each student. So, reading से है हमें बहुत सारे रीडिंग है उससे हम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट. तो आज हमें इस चैप्टर में ऑथर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन रीड करना है और उसने कौन सी बुक्स लिखी है, राइट. उसकी जो फेमस बुक है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है. सो चिल्ड्रन, जो हमारे फेमस ऑथर है बुक्स के, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद नंबर 1, यू कैन सी द पर्सन ऑफ द पिक्चर ऑफ द पर्सन ओवर हियर, राइट. ही इज द प्रेमचंद. ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेस्टिक. प्रेमचंद फेलोशिप वॉज एस्टेब्लिश इन हिज हॉनर. उसकी हॉनर में प्रेमचंद फेलोशिप है वो एस्टेब्लिश की गई थी. तो उसकी दो बुक का नाम क्या है बच्चों? गोदान एंड कायाकल्प, ओके. नंबर 2, सी इज द अनीता देसाई एंड सी इज अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, चिल्ड्रंस ऑथर एंड सी हैज वॉन मेनी प्राइजेस इंक्लूडिंग साहित्य एकेडमिक अवार्ड, विनिफ्रेड हॉल्टबाइक मेमोरियल प्राइज एंड गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज. इसने बहुत सारे प्राइज है वो जीते हैं, राइट. और वो एक नॉवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे है एंड चिल्ड्रंस ऑथर्स भी है. तो इसकी दो फेमस बुक का नाम क्या है अनीता देसाई की? क्लियर लाइट ऑफ द डे, द विलेज बाय द सी, ओके. तो इसके दो बुक का नाम ये है. नंबर 3, ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड अ लॉयर. वो नॉवेलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे एंड लॉयर भी थे. ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण एंड साहित्य एकेडमिक फेलोशिप अवार्ड अमोंग द अदर्स. और उसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड साहित्य एकेडमिक फेलोशिप अवार्ड्स भी उसको मिले हैं. तो ये जो खुशवंत सिंह है उसकी दो बुक का नाम यहाँ पे क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान एंड सेकेंड बुक है उसकी अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ओके. सिख की हिस्ट्री है उसकी बुक में पूरी डिफाइन की गई है. नाउ नंबर 4, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अमिताव घोष ओवर हियर. ही वॉज अवॉर्डेड विथ अ प्रिक्स मेडिसिन एंड स्ट्रेजर टॉप लिटरेरी अवार्ड ऑफ फ्रांस फॉर हिज फर्स्ट नॉवेल. उसकी फर्स्ट नॉवेल में ही उसे अवार्ड मिल गया था. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन द ईयर 2007. 2007 में उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था. तो उसकी बुक का नाम क्या है? द शेडो लाइन्स एंड सेकेंड है द कलकत्ता क्रोमोसम, ओके. सो दिस इज द टू बुक ऑफ द अमिताव घोष. Now, children, we are moving with the know the fact of this chapter. An electronic book, जिसको हम e-book बोलते हैं, right? वो एक ऐसी book होती है जो digital form में available होती है. उस book को आप website के through order कर सकते हो, right? जिसके through आपको PDF भेजेगा और पूरी book है वो आपको soft copy में मिलेगी, जिसे आप उसमें से reading कर पाओ. Otherwise, आपको printed कॉपी भी उसकी चाहिए, हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो वो लोग आपको कुरियर से है वो आपको कुरियर कर सकते हैं, राइट. और ई बुक है वो ऑनलाइन सेंड की जाती है और उसको आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो. चिल्ड्रन, रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैव टू
see that a develop the habit of the reading at least one new book, fiction or non-fiction, apart from your course book every 2 months. आपको कोई भी 2 महीने में या 3 महीने में आपको रीडिंग की हैबिट करनी है, रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो आपको कोई भी बुक है वो अच्छे से रीड करनी है, चाहे अभी तो आप ई बुक भी रीड कर सकते हो, राइट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है वो अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, तो आप ऐसे भी रीडिंग कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कम टू स्कूल एंड यू कैन टेक अ बुक ऑफ योर चॉइस फॉर रीडिंग। ओके, नाउ क्विज टाइम ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन, नेम द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग फेमस बुक। ये जो बुक्स है उसके ऑथर का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। नंबर 1 मालगुडी डेज, तो उसके ऑथर है आर के नारायण। यहाँ पे क्या आएगा, आर के नारायण। पद्मा गोज टू द स्पेस, पद्मा गोज टू स्पेस, इस बुक के ऑथर है वो कौन है, श्वेता प्रकाश। यहाँ पे आएगा श्वेता प्रकाश। ओके, नाउ द जंगल बुक, जंगल बुक है वो किसने राइट की थी, उसके ऑथर कौन है, रुडियार्ड किपलिंग। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, रुडियार्ड किपलिंग। ओके, so over here we are completing our chapter number 19, we are the best, right, जिसमें हमने different different author और उसके books के बारे में discussion किया है। I hope कि आपको समझ में आ गया है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे mail करके पूछ सकते हो। And children, complete your chapter, read all the details very carefully and send me in through my new mail address. So thank you children, have a nice day.